నమస్తే వెల్కమ్ టు హ్యాష్ యూ నేను రాజేష్ సహజంగా హైదరాబాద్ చార్మినార్ అంటే గుర్తుకొచ్చేది ఎంఐఎం పార్టీ అక్కడ ఎంఐఎం పార్టీ దశాబ్దాలుగా నాటుకుపోయి ఇవాళ ఎంఐఎం అడ్డా చార్మినార్గా తయారు చేసుకుంది అట్లాంటి అడ్డాలో ఇవాళ కాంగ్రెస్ జెండా పాతాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ సెక్రటరీ అలాగే చార్నార్ ఇన్ఛార్జ్గా గా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ముజిబుల్లా షరీఫ్ గారు ఉన్నారు ఆయనతోనే మాట్లాడదాం చార్మినార్లో లో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది నమస్తే షరీఫ్ గారు క్యా సార్ ఓల్డ్ సిటీలో ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ओल्ड सिटी हैदराबाद पार्लियामेंट में पहले एटी एटी सिक्स तक कांग्रेस ही रूल करी कांग्रेस का ही एम एल ए कारपोरेटर एम पी लास्ट एम पी के एस नारायण रहे है, हैदराबाद पार्लियामेंट के और जब भी जो डेवलपमेंट आया या उससे पहले जो डेवलपमेंट था वही लास्ट डेवलपमेंट है उसके बाद सिर्फ ये लोग कोई डेवलपमेंट नहीं करते सिर्फ रोड्स के ऊपर कवर चढ़ाते ड्रेन लाइन क्लीन करते और जो बजट आता कॉन्ट्रैक्टरस का, से उनके वर्कर्स को दिलाके वो लोगों को सैटिस्फाई करके रोक के रखते हैं उनके साथ कानी میر అంటున్నారు డెవలప్‌మెంట్ లేదు చార్మినార్ లో అని చెప్పసారు కానీ అంత డెవలప్‌మెంట్ లేకున్నా అంత వెనుకుబాటుతనం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికి కూడా అక్కడ చార్మినార్ ప్రదానికం అంత ఎంఐఎం కి ఓట్లేసి ఇందుకి గెలుపిస్తున్నారు అంటే చార్మినార్ కి పబ్లిక్ ఓల్డ్ సిటీ కి హైదరాబాద్ కి పబ్లిక్ ఓ ఎంఐఎం కు దేరే বলకనే मजबूरी में जो उनका 15% वर्कर है वही बोकसिंग करता हर एरिया में 50 लाख, 50,000 थाउजेंड टू वन लाख बोकस वोट है इनके वही और वो लोग ना इनोसेंट पब्लिक को कैप्चर करके पुलिस से डरा के म्युनिसपलिस से डरा के वो लोग उनको कंट्रोल में रखसिंग करा के जीत के आते हैं हर एक को मालूम है बीजेपी uh, की बी टीम है बीजेपी के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने के लिए के सी आर और असदुद्दीन अवेसी मिल के ज्यादा से ज्यादा सीट पे ठहरा करके उन लोगों को सेक्युलर वोट డివైడ్ बारे కాంగ్రెస్కు सोच रहे हैं ట్రై बीजेपी के एजेंडे को బీజేపీకి ఎజెండాకు ఇంప్లిమెంట్ కన్నా చాలే గతంలో మహారాష్ట్ర కానీ పంజాబ్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎంఐఎం పోటీ చేయడం జరిగింది కానీ అక్కడ మేర ఇంపాక్ట్ చూపించింది సో అసలు అక్కడ కూడా ఏం పెద్ద స్థాయిలో ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు అనేది మన డేటా చెప్తుంది సో ఈసారి నలభై స్థానంలో పోటీ చేయడం ద్వారా ఏమన్నా బీఆర్ మీరు అన్నట్టుగా బీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీకి కానీ లబ్ధి జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా मैंने समझता कि यहाँ पे उनको कोई इसका इम्पैक्ट मिलेगा यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा के बाद पब्लिक का माइंड बिल्कुल डिफरेंट बदल गया राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए सॉफ्ट कार्नर आ गया इसलिए ये लोग देखते हुए अब एजेंडे को बीजेपी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरे स्टेट्स में जैसा वोट डिवाइड करके कैंडिडेट्स को सेकुलर वोटों को डिवाइड करके हराए यहाँ भी कोशिश करें लेकिन उसमें नाकाम रहेंगे हैदराबाद लोग कांग्रेस पार्टी को मरिंत फोकस अवसर होंटरा బిల్కల్ క్యాండిడేట్స్ అగర్ కా కాంగ్రెస్ లీడర్షిప్ అగర్ ఫోకస్ కరెతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ టైమ్ బి టఫ్ ఫైట్ దగ్గరే ఆర్ జీతనేకే కోషిష్ కరంగ అంటే జనరల్గా చార్మినార్ అని కానీ అందరికీ ఎంఐఎం ఎంఐఎం అని అందరికీ అంటారు కానీ అక్కడ ప్రజలు ఎందుకు ఎంఐఎం ఎందుకు విశ్వసిస్తారు అంటే ప్రజలు విశ్వసించట్లేదా లేదంటే వాళ్ళు అట్లా ఇమేజ్ అట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఐసా ఇమేజ్ బనారే లేన్ కాంగ్రెస్ ముస్లింస్ చార్మినార్ మే ఫార్టీ పర్సెంట్ నాన్ ముస్లిమ్స్ एंड ट्वेंटी परसेंट शिया कम्युनिटी एंड बाकी के और दूसरे कम्युनिटीज भी रहते हैं mm -hmm. खाली जिसमें से सिर्फ लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में ट्वेंटी एट परसेंट पोलिंग हुई पार्लियामेंट इलेक्शन में उतनी बोकसिंग करने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत टफ फाइट देंगी आपकी बार ओल्ड सिटी में पार हैदराबाद पार्लियामेंट में और मैक्सिमम जीतने की कोशिश करेंगी गिल्स ने చార్మినార్తో పాటుగా నాలుగైదు నియోజకవర్గ చుట్టూ అంటే ఒక ఏడెనిమిది నియోజకవర్గాలు ఎంఐఎం కంచుకోటగా పెట్టుకున్నారు అవి బనే హే ప్రజెంట్ జో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ इसमें सारे लोगों को यह मालूम हो गया कि एम सिर्फ कोई डेवलपमेंट नहीं या कोई कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए या किसी कोई कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम नहीं करती बल्कि बीजेपी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करके बी टीम की तरह काम करती और अपना पैसा बनाने का काम करती सो so, बोगस वोटिंग कानी, मी मी ब्रेक है फर्स्ट हम बोगस इलेक्शन कमिश्नर के पास रिप्रेजेंटेशन दिए हैं पार्टी की तरफ से हम भी दिए दे रहे हैं जो बोगस वोट है उसको निकालने के लिए कोशिश करेंगे और जो आने वाले दिनों में इलेक्शन में पोलिंग में लास्ट टाइम भी हम कॉर्पोरेटर इलेक्शन में भी काफी एमएलए के ऊपर भी केस रजिस्टर कराए हम बोकस वोटों के लिए रोकने की कोशिश करें आपकी बार भी और मजबूती से कोशिश करके एम आई एम को रोकने की कोशिश करेंगे कहीं मीमी जरिए कक्षा हम नए सारे जो भी ओल्ड सिटी में रहते हैं जो एम आई एम को अपोज करते हैं उन लोगों के ऊपर केसों से डराते उनको पुलिस में लेके आके कि टॉर्चर करते उनके गुंडे उनकी तरफ से भी उनके जो पार्टी वर्कर है वो लोगों से डराने की कोशिश करते लेकिन फिर भी ओल्ड सिटी में और कई लोग हम भी है और कई लोग हैं जो एम आई एम के अगेंस्ट कर रहे लड़ रहे लड़ेंगे और केसेस रजिस्टर करे तो भी हम फाइट कर रहे करेंगे मैं 92 से ये सब पार्टी में यूथ कांग्रेस में एक्टिव रहा सुधाकर रेड्डी के जब से लेकिन अब की बात अब तो हम एक दस साल से तो हम ज्यादा ही एक्टिव है पार्टी के लिए जब से अलायंस टूट गया जब से हम बराबर उसके लिए उस संघर्ष कर रहे और करेंगे चार मिनारो ग लेकिन ओल्ड सिटी लो कांग्रेस पार्टी गेलि कोई दशाब्दाल वास्तवाड़ नयनटीन एटीस गेल कांग्रेस पार्टी मल्हे इप्दा गेल्डे पर्स्थित अट्ला टाइम में काफि एम क हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैडर को बिल्डअप करें हैं ये दिनों में ये ये पिछले पाँच साल में और भी हम करते हुए टफ फाइट देंगे और जो भी अपने वर्क पार्टी वर्कर्स को एकजुट एक करके टफ फाइट देंगे इनको इलेक्शन में हम फाइट करेंगे कांग्रेस को त, इनको यहीं इन सारे ऑल इंडिया लेवल पे जाके जो కమ్యూనలిజం ఫైలారే ఉంటు పార్టీకి తరఫు కరెంగ సో ఏం సార్ చార్మినార్ ఇంత మొత్తం దేశం అంతా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది రాష్ట్రం డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఐటీ పెద్ద ఎత్తున ఐటీ సెక్టార్లు వస్తున్నాయి రాష్ట్రానికి అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఓల్డ్ సిటీ అంత వెనుకబాటు తరానికి కారణం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మీరు యాజ్ ఏ ఓల్డ్ సిటీ యాస్పరెంట్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు అక్కడ ఉన్కే ప్లానింగ్ ఉన్కే హిసాబ్సే ఓల్డ్ సిటీ డెవలప్ నై హోనా तो ही उनके कंट्रोल में रहता और डेवलप्ड हो गया तो यूथ अपने काम में बिजी हो गए तो उनका जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने को उनको नहीं आता बोल के इसलिए उन्होंने मैक्सिमम ओल्ड आज भी पचास साल पहले जो डेवलपमेंट था उसके बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने आज नहीं बता सकते कि हम इसमें एक, ये काम करें बोल के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स के जब गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले ओल्ड सिटी को उस के बनाऊंगा बोल के बोला और लाड बाजार को नाइट बाजार बनाएंगे बोल के बोले और ओल्ड सिटी को हेरिटेज बाजार बनाएंगे बोले कई ऐसे प्रपोजल्स रखे वॉकेबल वा, वा, वाक, मार्केट बनाएंगे बोले ये सब चीज़ें खाली डिक्लेयर दिक, करने के लिए रहे और ऐसे कई प्रोजेक्ट आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते जो कि ये डेवलप ये लोग डिक्लेयर करे और बजट लाए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करे मैं कई वीडियोस बना के डाल रहा हूं जो ओल्ड सिटी को डेवलप नहीं करे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इन्हें बता सके कि ये हम करे बोल के आज तक पचास साल में कहीं मेर अंटर बोगस वोट्स केवल लास्ट इलेक्शन इरव शातमे पोलिंग अभी चार मिनारे एनक प्रजल बैठक ओटेटा भयपड़ी ओल्ड सिटी में इरव शातमे अवतुदे ऐक्चुअल वोटर्स बाहर वोट डालने नहीं आते सिर्फ फाइव टू टेन परसेंट एक्चुअल वोटर्स आते इनका टेन परसेंट इनका जो वर्कर है वही बोकसिंग करता है जो वोट बोकस है फिफ्टी लाख फिफ्टी थाउजेंड टू वन लाख एवरी पोलिंग एवरी असेंबली कांस्टेंसी में इनके बोकस वोट है ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు గాని లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ గాని అంతకు ముందు ఎలక్షన్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా బోగస్ ఓట్ల తోటి గెలుస్తూ వస్తుంటే ఎందుకు ఇతర రాజకీయ పార్టీలు అడ్డుకట్ట వేలేకపోతున్నాయి ఎమ్మెయ్ఎం ని అంటే పోలీస్ ఇంకా సపోర్ట్ కర్తీ గవర్నమెంట్ జోహే ఇంకా సపోర్ట్ కర్తీ ఇస్లియే బోకసింగ్ hoti ఎలక్షన్ కమిషనర్ మే కయి కమిషన్ మే కయి బార్ ఇస్కేలి రిప్రజెంటేషన్ దिए हैं బోగస్ ఓటింగ్ కే liye kyunki wo municipal staff hamesha unke saath tayab me rehta wahan pe wo election agent banke aata wo election officer banke aata ఇంకో పెద్ద ఆరోపణ ఏంటంటే చార్మినార్ లో కానీ లేకుంటే ఎంఐఎం ప్రాబల్యం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులు డమ్మీలు అనేది ఒక ఒక పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణ ఉంది సో ఇవాళ ముజీబుల్లా షరీఫ్ కూడా డమ్మీ అభ్యర్థినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గలత్తే और पार्टी की तरफ से अब की बार मैं कैंडिडेट रहा तो मैं टफ फाइट दूंगा लास्ट कारपोरेटर इलेक्शन में मेरे बच्चे को कैंडिडेट बनाए टफ फाइट दिए हम लेकिन हमको 12 बजे ही अरेस्ट करके रख लिए इसलिए पोलिंग पे इफेक्ट हुआ क्योंकि हमारा कैडर भी डर गया हमारे जब उस टाइम पे पुलिस की रूल की वजह से लेकिन अब की बार हम टफ फाइट देंगे डमी होने का सवाल ही नहीं है इन आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि कैसा फाइट करेंगे हम అంటే ఏంటి మీ క్యాడర్ లో గాని అక్కడ ఉన్నటువంటి చార్మినార్ పబ్లిక్ గాని మీరు ఏం కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తున్నారు 100% కాంగ్రెస్ పార్టీ భారత్ జోడో యాత్ర కే బాద్ సే తెలంగాణనే కంట్రీనే బల్క్ ఓల్డ్ సిటీ మే బి రాహుల్ గాంధీ జీ కా కాఫీ జబర్దస్ట్ వెల్కమ్ કરે उनको आप देखे होंगे एमआईएम का असर खत्म हो गया सिर्फ उन्होंने अपने गवर्नमेंट और पुलिस के दम पे ంగ్ ఆర్ పోలింగ్ జీకి కోసి కర్రే కర్కి ఆయ అర్రే కానీ భారత్ జోడ యాత్ర గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నేను కూడా చార్మినార్ ఆ సందర్భంలో రాహుల్ గాంధీ ఎంటర్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉన్నా నేను కానీ అంత క్రౌడ్ ఎట్లా రాహుల్ గాంధీకి చార్మినార్ లో వచ్చారు అంటే అప్పట్లో మీరు కూడా అక్కడ దగ్గరుండి మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేశారు మొత్తం ఏరియా అంతా కూడా భారత్ జోడయాత్ర ఎట్లా అంత క్రౌడ్ రాగలిగారు ఆ రోజు హాసే గాంధీ ఫ్యామిలీ కేర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కే ओल्ड सिटी नहीं बल्कि पूरे कंट्री में उनके लिए एक सम्मान है उसके लिए लोग उनको उनसे मिलने उनसे देखने के लिए जमा हुए और वही लेबल के ऊपर गांधी फैमिली के ऊपर ही आने वाला इलेक्शन जीतेंगे और कांग्रेस ओल्ड सिटी में भी टफ फाइट देंगे सो मेर इन भारत जोड़ो तरह हाथ से जो, हाथ जोड़ो यात्रा स्टार्टोजक वर्ग प्रजल रेस्पॉन्स हमारे इंचार्ज पार्लियामेंट की पुष्पा लीला मैडम और डीसीसी सब लोग आए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चार मीनार से पुराना पुल तक और पूरा चार मिनार असम्बली में और दूसरे एरियो में भी रखे पब्लिक का काफ़ी अच्छा रेस्पांस रहा और उसके लिए पब्लिक जनरल पब्लिक कोई भी किसी पार्टी को पार्टी वर्कर को अपने डैमेज नहीं करती सिर्फ इनके मीएम के आसाद और दिन की तरफ से जो पॉलिसी बनाते वो लोग जाके ही अटैक करते रोकते अपने को बस उससे हटके और कोई पब्लिक जनरल पब्लिक पार्टी और गांधी फैमिली के लिए लायबल लाइलेस मीएम जेस्ट तूने टूट आराज का जनरल कांग्रेस पार्टी को और दूस, कोई दूसरा इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है कोई कैंडिडेट इनको ठहरे नहीं देते हर पार्टी के कैंडिडेट को इन डम्मी करते इसलिए अभी तक कोई लीडरशिप पैदा नहीं हुई वहाँ पे ये आने वाली ये लास्ट थर्टी इयर्स में इसलिए पब्लिक वो नहीं हुई अगर कोई स्टैंड लेके पब्लिक अगर कोई कैंडिडेट ठहर जाता है तो पब्लिक उसके पीछे आने के लिए तैयार మీరు అన్నట్టుగా ఇతర లీడర్లు ఎవరిని ఎదగనీయకుండా ఎంఐఎం అంటే ఓల్డ్ సిటీ చార్మన్ అంటే ఎంఐఎం అనేదే ఉంది ఎందుకు ఇతర లీడర్లు ఎందుకు ఎదగనీయకుండా అక్కడ చేస్తున్నారు అంటే ఏ టిఆర్ఎస్ కవి నో క్యాండిడేట్ అయితే బీజేపీ మే ఇన్నో క్యాండిడేట్ అయితే ఇంకా అయితే जो सेक्युलर वोटों को डिवाइड करके उनके पार्टी की बोकसिंग करने से इन जीत रहे उससे हटके अगर जब भी टफ फाइट देने वाला कैंडिडेट रहेगा तो बराबर जीतेंगे और कांग्रेस कैंडिडेट बराबर बीआरएस लो 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 बीजेपी कैंडिडेट कैंडिडेट एमआईएम एमआईएम डिसाइड डिसाइड कांग्रेस पार्टी लास्ट दस साल से तो वो ये कोशिश में नाकाम रहे पहले क्योंकि अलायंस था हो सकता था लेकिन अब चूंकि दस साल से कांग्रेस पार्टी एमआईएम से लड़ रही संघर्ष कर रही उस पर अब और ज्यादा हम उससे टफ फाइट कर रहे हैं इसमें हम ट्राई करके सक्सेस करने कोशिश गोस्ते, टुण ये की कोशिश करेंगे इवा वाड़त विषय को स्कूल यानी लेकिन अड़े हास्पिटल इंका चाल पातकाल उकूल डेवलपमेंट लेस्पिटल डेवलपमेंट लेकिन इंका अंत मी नियोजक वर्ग हैदराबाद पार्लियामेंट में देखेंगे में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़ा एक ही हैदराबाद का उस्मािया हॉस्पिटल था और यूनानी दवाखाना हॉस्पिटल चारमार था उस्मानिया हॉस्पिटल को बिल्कुल कोई स्टाफ नहीं है कोई डॉक्टर नहीं है कोई नर्सेस नहीं है बिल्डिंग बिल्कुल गिरने के लिए वो हो गई कोई बजट सेंकशन नहीं हो रहा क्योंकि हैदराबाद पार्लियामेंट में आता है यू नो हैदराबाद एम के ऐसा यू नो चूँकि बोर्ड में मेम्बर है यू नो आज तक भी आ, कभी कोई फंड अलॉट नहीं करेमानिया हॉस्पिटल को ना कोई चार मीनार हॉस्पिटल को कोई फंड अलॉट करे चार मीनार हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी गिर जा रही गिरने के डैमेज होने के करीब है बिल्कुल दो ही हॉस्पिटल थे एक यूनानी हॉस्पिटल और एक उस्मानी हॉस्पिटल बड़े ये पूरी तरह से खत्म करके रख दिए उस्मानी हॉस्पिटल मैं नहीं समझता कि कोई और वजह हो सकती सिर्फ क्योंकि इन एम और पार्लियामेंट ओल्ड सिटी में इनका इनका गवर्नमेंट इनका रूल चलता इनका काम था कि इन एज ए बीस साल से पार्लियामेंट के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन्हों अपना बजट देके या कभी गवर्नमेंट को इसके तरफ डाइवर्ट का इसका प्रपोजल रखिए कोई प्लान पेश कोई प्लान नहीं दिया अभी तक इसकी वजह से हॉस्पिटल डैमेज हो गए क्योंकि इनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स चल रहा है इनका उस्मानी अवैसी हॉस्पिटल असरा हॉस्पिटल उनका हॉस्पिटल चलाने के लिए वो, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को बस्ती दवाखानों को डेवलप होने नहीं दे रहे गवर्नमेंट की कोई स्कीम ओल्ड सिटी में इंप्लीमेंट होने के लिए रोक रहे ये लोग कहीं ओवासी हॉस्पिटल पेर तोटी सेवा जैसुनारा एम आई एम दोपड़ी जस्तुन कमर्शियल कमर्शियल हिसाब से बाजू उसके अवेसी हॉस्पिटल के बाजू एक मिलिट्री हॉस्पिटल है सर्विस करने के लिए आए तो भी उसको रोक दे के इन्हों अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए चीटिंग है वहाँ पे कोई भी पेशेंट गया तो वहाँ पे सक्सेस नहीं होता सिक्सटी परसेंट पेशेंट को लूट लेते वहाँ पे असरा हॉस्पिटल में हो पब्लिक में बोलते कि हम फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं ट्वेंटी रुपीज में सिर्फ ट्वेंटी रुपीज में कार्ड बनता कोई ट्रीटमेंट नहीं होता చార్మినార్ ప్రాంతం కానీ ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతం కానీ ఎందుకు ఎంఐఎం చెప్పు చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎవరిని ఎదగనీయకుండా లేకుంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున అరాచకాల కేంద్ర బిందువు అవుతున్నటువంటి ప్రాంతంలో మీ మీరు ఎందుకు ఇంత గట్టిగా కొట్లాడుతున్నారు ఇవాళ ఎంఐఎం వ్యతిరేకంగా కానీ లేకుంటే అక్కడ మీ కా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చేయడం కానీ ఉన్ కాడియాలజీ ఓ కమ్యూనల్ హమ్ అప్నా సెక్యులర్ పార్టీకి వజేసే సెక్యులర్ ఐడియాలజీకి వచ్చేసే హమారే ఉన్కే మే డిస్టెన్స్ ఈ ఏకీ వజయ पब्लिक का सपोर्ट रहेगा हमारे लिए सेक्युलर पार्टी है सेक्युलर पार्टी के आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम टफ लड़ रहे हैं लड़ेंगे इसके लिए एम आई एम जो भी केसेस करती है करने दो तो हमको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हम हमारा कैडर हमारी फैमिली और पब्लिक हमारे साथ जो है రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా భూ కబ్జా ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి అదేవిధంగా మీ ఓల్డ్ సిటీలో కూడా భూ కబ్జా ఆరోపణలు చాలా పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తూ ఉన్నాయి హెరిటేజ్ బిల్డింగ్లు అలాగే హెరిటేజ్ సంబంధించిన కొన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా కూలగొట్టి అక్కడ స్థలాలకు కబ్జాలు చేస్తున్నారు ఎంఐఎం అనే ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నారు దాని మీద ఏం చెప్తారు జితనా బి ఓల్డ్ సిటీ మే ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ వఫ్ గ్రాబింగ్ ఓల్డ్ సిటీ మే బీజేపీ క్యా बीजेपी आके वफ ग्रैबिंग कर रही क्या नहीं कर रही एम आई एम एम आई एम के वर्कर्स ही लैंड ग्रैबिंग कर रहे वक्त वक्त को डैमेज करने वाले एम आई एम एम आई एम के एम एल ए वर्कर्स ही इन्वॉल्व है कोई बीजेपी का वर्कर आके या बीजेपी आके होल्ड सिटी में या कहीं वक्त को डैमेज नहीं कर रही ये सिर्फ और सिर्फ एम आई एम है उनके वर्कर्स को बेनिफिट पहुँचाने के लिए उनको बेनिफिट होने के लिए वक्त को आज डैमेज कर दिए और हेरिटेज बिल्डिंग्स को मैं कल भी एक दो तीन बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन कराया जो कोर्ट ऑफ आर्ट्स कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट में रहते हुए एम और उनका वर्कर्स अंदर से पूरी तरह से उसको लैंड ग्रैबिंग कर दे रहे लेकिन चूंकि गवर्नमेंट से उनका अलायंस है इसीलिए गवर्नमेंट उनके लिए खामोश है उनके वर्कर्स को उनको उसमें ग्रैबिंग करने में हेल्प कर रही है जनरल पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन पब्लिक के सामने ये ऐसा एक शो करते हैं कि इनकी पूरी पूरी पब्लिक माइनॉरिटीज़ पूरे इनके साथ है। ऐसा नहीं है इनके साथ सिर्फ 15 परसेंट इनका बेनिफिशरीज वर्कर है वही इनके लिए बोकसिंग करता वही इन और पुलिस इनकी सपोर्ट करती आप उनके अगेंस्ट या उनके वर्कर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट देने जाओ कोई एफ आई नहीं होता बिल्कुल एक क्या क्या बोलना चाहिए जंगल राज की तरह ओल्ड सिटी में इन्हों अपना अपना एजेंडा चला रहे और इनों इसमें अभी सक्सेस है लेकिन अब इनको हम रोकेंगे चूंकि अब हमारे पार्टी का भी दस साल से अलायंस नहीं है हम इनके साथ टफ फाइट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे गवर्नमेंट उनके साथ है टीआरएस गवर्नमेंट फुल्ली उनके साथ है उनको उन, इशू में उन्होंने फोन कर दिया तो, सीएम से ज्यादा उनका ओल्ड सिटी में उनका इफेक्ट दिखता उनकी बात मानते संबंधी आलरेडी वैकबाड़ता डेवलपमेंट प्लांस चार्मार पटल हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम उसके लिए जो जो डेवलपमेंट खाली प्रपोजल्स दिए वो प्रपोजल्स को हम इंप्लीमेंट करने के लिए हम संघर्ष करेंगे प्या, प्या, पब्लिक में घुस के वर्क करेंगे और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे अड़क इतना उसके लिए सही प्लान बनाने का था नए बना लेआउट करने से पहले वो करने वाले भी इनके वर्कर है और जो मेन ड्रेन सिस्टम है वो निजाम के टाइम का सिस्टम ही अभी तक है उसको कोई डेवलप करके नहीं लेके आए मोसी नदी से बना के नहीं लाए जो सेवेंटी इयर्स बिफोर जो ड्रेन सिस्टम था आज भी वही सिस्टम है वही और खास कोई डेवलपमेंट इन्होंने नहीं करे सिर्फ వర్క్ కర్తేవ జారీ బస్ కానీ మీరు అంటున్నారు డ్రైన్ లేవు ఎప్పుడో గతంలో ఉన్నటువంటి రా రాజుల కాలంలో నుంచి ఎట్లుందో సేమ్ అదే నడుస్తుంది కానీ ప్రతి అసెంబ్లీ సెషన్లో ప్రతి బడ్జెట్లో కూడా ఎంఐఎం వాళ్ళు కొట్లాడి మరి కేటాయింపులు తీసుకెళ్తారు కదా మరి ఏం డెవలప్మెంట్ చేసినట్టు అక్కడ చార్మినార్ని మై రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కిత్నా బడ్జెట్ శాంక్షన్ వా और कितना वहाँ पे वर्क हुआ उसके लिए मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में अप्लाई करा वो आने के बाद में इनके जो डेवलपमेंट के जो इनका जो एजेंडा है बता रहे पब्लिक में कि हम ये, ये डेवलप करें उसको मैं बाहर निकाल के आज पब्लिक में ओपन करूँगा उसको आकड़ा प्रजलपमेंट आइए एम आई एम इष्ट लेकिन मेट्रो रेल वस्ते अड्डक उठे एमआईएम पार्टी अगर स्थानिक हंड्रेड परसेंट मेट्रो रेल का चूंकि प्रोजेक्ट फलकनुमा तक पूरे सिटी के लिए आया सिटी में मेन चार से फलकनुमा तक के लिए प्रोजेक्ट आया बजट सैंक्शन हुआ बजट कंपनी को मिल भी गया लेकिन चूंकि एम आई एम्स का जो भी इनको ये लोगों का वो था वो ऑब्जेक्ट उन्होंने पूरा नहीं कर सका कंपनी वाला इसलिए प्रपोजल रोक दिया अगर मेट्रो रेल अगर ओल्ड सिटी में आती यहाँ के यूथ जॉब के लिए हाईटेक को जाना कहीं जाना बोलो तो वन एंड हाफ आवर खाली जाने और वन एंड हाफ आवर आने के ट्रैवलिंग में चले जाते वही अगर मेट्रो रेल आता तो सिर्फ 20 मिनट में जा सकते थे क्योंकि पब्लिक डेवलप नहीं होना ओल्ड सिटी की उनके कंट्रोल में रहना ये प्लानिंग के तहत तो ओल्ड सिटी को डेवलप नहीं होना बल्कि रोक के रखी एम सारी चीज़ का जिम्मेदार एम है ये सब डेवलपमेंट को रोकने में कोई ओल्ड सिटी एंक्वासकेंटे अकड़े चारा पब्लिक तक नहीं पहुँच रही शादी मुबारक स्कीम में थर्टी था तो, अगर सेंक्शन होके आता है तो थर्टी फोर्टी थाउजेंड उनके एजेंट को जो एम आई एम वर्कर रहता उसको दे देना रहता बाकी के पब्लिक को पैसे आते ऐसा एक स्कीम का मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ वैसे आप देखो कि मेट्रो रेल का ये बहाना कर रहे कि भाई ओल्ड सिटी की नैरो लेंस में से आना कोठी सुल्तान बाजार की लेन कितनी नैरो और कितनी बिजी थी उसमें से मेट्रो रेल आके चार साल हो गया लेकिन आज भी ओल्ड सिटी में यही बहाना करते कि भाई नैरो लेन में से कैसा आएंगी वो ट्रेन వాసపే ఇంప్లిమెంట్ కన్నా గవర్నమెంట్ చాయిపే చూకే ఇన్ వజే రుక్గా ఇస్ ఏ ప్రపోజల్ రుకావా కానీ మీరు అంటున్నారు అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో బిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎంఐఎంకి సహకరిస్తుంది అని సహకరిస్తుంది అన్నప్పుడు ప్రభుత్వ పథకాలు అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంటు అక్కడ ప్రజలకు అవ్వాలి కదా ఎందుకు అవ్వకుండా అడ్డుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏం కనిపిస్తుంది వెనకాల బీజేపీకి ఎజెండేకు టిఆర్ఎస్కు సక్సెస్ కరెకే స్టేట్మె ఫిర్కే యూనో జో फेवर में क्योंकि पब्लिक पूरी कांग्रेस की तरफ जा रही उनको रोकने के लिए टीआरएस और बी बीआरएस और बीजेपी के लिए सक्सेस करने के लिए ये लोग जाके इनका कैंडिडेट नहीं रहता फिर भी इनो जाके वहाँ स्पीचर्स देते क्यों माइंड डाइवर्ट करने के लिए पब्लिक का कैन वी विल डाइवर्ट जैसे आकर पब्लिक डाइवर्ट అవుతున్నారా अब अब पब्लिक 2023 के बाद पब्लिक हर चीज बीजेपी के एजेंडे को टीआरएस के एजेंडे को ఆర్ ఎంఐఎంకి ఎజెండే స సమజరి ఇన్ కేస్మె ఇన్కే స్పీచెస్ ఆనేవాళీ నీ एजेंडा अब नहीं चलेगा अब నై पार्टी तेलंगाना కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణమే సక్సెస్ ఉంగి ఆర్ दिनों में కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ కరీ ఒకటి వాస్తవం కదా ఎందుకంటే ఓట్ కన్వర్షన్ ఎట్లా అవుతుంది షరీఫ్ గారు ఎందుకంటే ప్రజలు అక్కడ ప్రజలందరూ అందరూ తను చేసుకోవటం వేరు కానీ ఓట్ కింద ఆ రోజు వచ్చి ఓట్ ఎలక్షన్స్లో ఓట్ వేయడం వేరు కదా అప్పుడు మళ్ళీ ఎంఐఎం మ్యానుపులేట్ చేయదంటారా తెలంగాణమే जो इन कोशिश करे वो तेलंगाना के वोट कन्वर्ट करने के लिए वो अब सक्सेस नहीं होता इनका कम्युनल एजेंडा अब नहीं चलने वाला है मेरे कम्युनल एजेंडा कम्युनल एजेंडा अंतर का एम आई एम कम्युनल एजेंडा का का ही बीजेपी है। बीजेपी और एमआईएम बीजेपी की बी टीम है इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करने और बीआरएस को सपोर्ट करने के लिए ही इनो इनका एजेंडा चल रहा इनको ये मालूम है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी तो दो सीट तेलंगाना हैदराबाद में दो सीट नहीं ला सकती लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट से इनो जीत के आ रहे सात सीट पे आ रहे यही बहुत है वो भी अब ऊपर वाला चाह तो वो सात सीट में भी नहीं आएंगे चार मीनार में हम टफ फाइट देंगे पूरे तेलंगाना में वो मलकपेट में पोटी स्थानी पोस्ता खची व्यक्तमी नलब स्थानीय वोट डिवाइड करने के लिए सिक्युलर वोट कैंडिडेट को हराने के एजेंडे से उन्हों कैंडिडेट हरा करें उनको जीतने में उनको खुद ये मालूम है कि उनका कोई कैडर नहीं है कोई वर्कर नहीं है और हर कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा उसको रोकने के लिए कैंडिडेट ठहरा कर रहे हैं मैनारटीम भरोसा कांग्रेस पार्टी तरफ देखिए लास्ट जब राजेखर रेड्डी सब के टाइम पे मैनारटीज के लिए जो काम करे रिजर्वेशन फोर परसेंट का रिजर्वेशन दिए और तमाम बजट भी बहुत सारा बजट भी मैनारिटीज के लिए दिए वो बजट जो रिज़र्वेशन के ऊपर जो कांग्रेस शबीर अली साहब जो अपनी कोशिश से करे उसको माइना सदुद्दीन अवैसी अपने क्रेडिट हम करे के लेते लेकिन ये शबीर अली साहब का कारनामा है जो फोर परसेंट रिजर्वेशन भी लाए और आने वाले दिनों में भी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए शबीर अली साहब और हम सब मिल कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी वर्क करने का इरादा है और नया अब जो ए, डिक्लेरेशन में माइनॉरिटीज़ को भी एक डिक्लेरेशन में देने वाले राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पीसीसी रेवंत रेड्डी सब भी इस बारे में डिक्लेरेशन माइनॉरिटीज के लिए अलग से देने का इरादा है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बीसी डिक्लेरेशन महिला डिक्लेरेशन इला अनेक डिक्लेरेशन तो अन्नी वर्ग प्रजल की कांग्रेस दर मुझे एस्पेशल माइनॉरिटीज डिक्लेरेशन अंश उ 12% रिजर्वेशन बोला वो उस वक्त बहुत मुश्किल था सिर्फ़ वादा करने के लिए उन्हें बारह परसेंट बोला वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने के बारे में बोला लेकिन वो आज तक नहीं दिया लेकिन कांग्रेस पर्सन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माइनॉरिटीज के लिए और जैसा कि कर्नाटक में परसों जो डिक्लेरेशन दिए वैसा तेलंगाना में भी देंगे और वफ को जुडिशियल पावर देने के लिए शब्बीर अली साहब के साथ हम मिलकर संघर्ष करेंगे पलू माइनारटी वोट बैंक स्प्लीटा की एम ई एम पोटे अंतर एन को माइनारटी एम आई एम माए माट में पड़ता है ये रिलीजन के बेसिस पे स्पीचेस ऐसे देखिए ऐसा I... माइंड डाइवर्ट करने के लिए ट्राई करे लेकिन चूंकि पब्लिक अब अवेयरनेस आ गया पब्लिक में वो ये इनके एजेंडे पे अब इनके लिए अब तेलंगाना में तो कर्नाटक में तो कोई जगह नहीं है कर्नाटक में भी देख लिया पूरी पब्लिक वो कांग्रेस की तरफ आई तेलंगाना में भी आ जाएंगी इसके लिए इनो ट्राई करके रोकने के लिए अपना एजेंडा लेके तेलंगाना के अदर अदर -अधा डिस्ट्रिक्ट में फिरने के लिए कोशिश करें लेकिन इनो सक्सेस नहीं होंगे चार मिनार प्रजी ओल्ड सिटी प्रजानी को मारपना कोरक प्रज गमारा हाँ बिल्कुल हम पब्लिक में फेस टू फेस मिल रहे पब्लिक से आ, हम डायरेक्ट उनसे अप्रोच हो रहे पब्लिक हमारे को अश्योरेंस दे रही है कि भाई हम एक एजेंडे पे हम इनको आपको सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे बोल के हर कम्युनिटी से हर एरिया से हमको ये अश्योरेंस मिलने के बाद हम और ज़्यादा वर्क कर रहे हैं हमारे कोई उसके लिए इंक्रेजमेंट है थैंक यू शरीफ घर यदि मुझे बोला शरीफ गर तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू फॉर मोर विडर्स प्लीज़ वॉच हैं